बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे। भागत भागत गांव पहुंचे, दरवाजा पहुंचे खड़भड़ाए, तो मौलवियन कहते कोई रे, तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल मौलवी हुई, दरवाजा खोलिन मौलवियन, मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन कहते का भल्ला है रे ईमा, का भल्ला है, कहीं रुपया हो और का हुआ। मौलवियन खोलिन तो रुपये ही रुपया। तब मौलवियन चौंके कहीं हाँ यत्ता रुपया कहाँ चोरा लाए है रे, किके घर मामे से उठाए लाए। मौलवी कहते थूक के कमाई हुए रे। बहरहाल मौलवी बदनाम हो गए। जब खूब बदनाम हो गए, सब कहीं जहां देखो हुए चर्चा हुए कि यार बहुत घामड़ है, बहुत बदअकल है, बताओ 15 दिन हुए जाल नहीं कही पाई। जब बदनाम हो गए मौलवी, तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरिन, वैसे मौलवी खड़े हुए गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे कहीं हाय 15 दिन होगा जाल नहीं कहे पैसे, तो कि तकरीर कैसे करी हो। तो सब बैठ गए, कहीं देखी बोलत का है आके, और पहले से मौलवी मौलाना उहाबे करे। बखड़ा हुआ मौलवी और ऐसी इमाम हुसैन की शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। और उनकी शहादत है भी दर्दनाक, 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब में वो रवायत पढ़ो तो आंखों में आंसू भर ही आते। सारे सिया भों भों रोए लगे, तो मौलवी चुप हो गए। जब सेवे रोए रोए के चुपाने, तब सेवे कहते आए हो 15 दिन होएगा तुम जाल नहीं कह पायो। आवाज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अत्ते बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली। कहा फिर? कहा जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके, कहें तू पुकारे तो अली आएंगे, हमारे लोग जिंदगी गुजर गए अली अली कहा कहा तो अली नहीं आए, अब तू आज रात में पुकारे आज रात में आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। तो कहें फिर क्या हुआ? कहा हजरत अली ने पूछा क्यों बुलाया? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुँह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला, मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर पहुंचा तो मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे कहते हाय हमार लोगन जिंदगी गुजर गए, अली नहीं आए, और तेरे पास आई हुई तेरे मुँह में थूक यू दी कहीं हमरे नसीब के बाद। तो शिवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक दे बे। कहीं फिर? तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया ले बे। तो शिवे कहते अरे यार तुम सौ की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। बे एक शिवा आगे बढ़ा, सौ के नोट दिस मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुकिन, ब दूसर का शिवा गा वह सौ के नोट दिस बहु के मुँह में थुकिन। बस शिव की लाइन लग गई, 100-100 रुपया डारा चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुकिन मौलवी। और जब शिवे खत्म भये तो मेहरुए चल दी, उन्हों तो बहुत शौकीन होते, उन्हों आया के मुँह बावे लागी, सौ के नोट मौलवी पावे थुक्का करे, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से तावत रहा। बात कहा अखा थू ऐसे करे, सौ के नोट मिलत रहा है, थुकावत थुकावत पूरे बाजार के सीएन के औरतन के मुँह में थुकिन मौलवी। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लग गवा, तब रात में मौलवी सोचे लग गए कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, हम कहा है कि हमरे मुँह में थुकिन है तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब हमसे थुकाए के गए हैं सवेरे को जान पई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलेंगी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे। भागत भागत गांव पहुँचे, दरवाजा पहुँचे खड़भड़ाए, तो मौलवियन कहते को आए रे, तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल मौलवी हुई, दरवाजा खोलिन मौलवियन, मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन कहते का भल्ला है रे ईमा, का भल्ला है, कहीं रुपया हो और का हुआ। मौलवियन खोलिन तो रुपये ही रुपया। तब मौलवियन चौंके कहीं हाय यत्ता रुपया कहाँ चोराए लाए है रे, किके घर मामे से उठाए लाए। मौलवी कहते थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बता रहे कहाँ चोराए लाए।
मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, हमका काबा में ले चल, काबा में कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए तैयार हुआ तब मौलवी इन मान ली। वही दिन से मौलवी के पैर दबावे, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं, याली याली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं, लेकिन याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसकी नमाज़ें न छूटती हों। याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसको तिलावत कुरान से लगाव हो। ऐ लोगो, चार दिन की जिंदगी है, अल्लाह को राजी कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और फिर अल्लाह की जमानत का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता है, दुआएं मांग रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माद इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाया था, और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने 10 बातें बताई थी, उनमें से एक बात सुनो। सरकार ने फरमाया था माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, ला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज हरगिज नमाज फर्ज को जान बूझ के न छोड़ना। फइन्न मन तरका सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जान बूझ कर छोड़ा, फकत बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रहता जो जान बूझ कर एक वक्त की फर्ज नमाज को छोड़ता है। तो जब हमने नमाजों को छोड़ा तो खुदा की जमानत हमसे चली गई। ए लोगो, चाहते हो कि खुदा की तरफ से हमारी हिफाजत हो, अल्लाह हमारे लिए कोई हिफाजत का जरिया पैदा कर दे, तो नमाज पढ़ो, नमाजों का वसीला बनाओ। इंशाअल्लाह नमाज की वसीले से हमारी तुम्हारी खुदा हिफाजत फरमाएगा।